गंगा गंगेत ब्रुवीयातम, हजारों हजारों कोस दूर से भी माँ गंगा का नाम ले लिया जावे तो माँ भगवती गंगा ताप प्रताप संताप सब कुछ दूर कर देती है। दीर्घायु इश दीर्घायुंच वासो भीर ज्ञान पुस्तक दानता अन्नदानेन संपत्तिम कीर्तिम कन्या प्रदानता अन्यत्र कृतम कर्म व्रतम दानम या जपस्तप गंगा तटे तु तद सर्वम हरे कोटि गुणम भवेत। आप बड़े बड़े होटलों में शहरों में बेटियों की शादी करते हैं, कभी ऐसे तीर्थों में जाइए जो गंगा और यमुना के किनारे बसे हैं, वहाँ एक कन्या का कन्यादान 1 करोड़ बेटियों के कन्यादान के बराबर होगा, ऐसे पावन तीर्थों में। लिखा है कि नदियों के किनारे पर किया गया सदकर्म कोट सहगुना अपने आप में फलदायी हो जाता है, इसलिए महात्मा लोग भी ज़्यादातर ऐसे वहीं वास करते हैं जहाँ देव सरताएँ बह रही हैं, वह वहीं पहुँचते हैं। उन तीर्थों में बड़ा आनंद है जहाँ सरताएं बह रही हैं, नदियां बह रही हैं, आनंद हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर गंगे धेनु सवत्साम यो ददाद गंगा तीरे विदानत। गैया ब्या रही हो, अभी बच्चे के 2 पाम ही बाहर निकल के आए हैं, अभी वह बच्चा पूरा धरती पर नहीं आया। ऐसी गैया का दान करने का फल बहुत कई हजारों गुना होता है। हाल ही ब्याई गाय, अभी उसका बच्चा धरती पर नहीं आया, गैया बच्चा देने वाली है, और उस समय संकल्प किया जाता है बहुत गुना पुण्य उस गौदान का होता है। धेनु सवत्साम यो, वर्णन किया है कि उससे भी और ज्यादा जो यदि कोई पुण्य है तो क्या है, हाथ में गंगा जल लेकर के जो भी कोई दान किया जाता है, गौदान किया जाता है, धेनु दान किया जाता है, कन्या दान किया जाता है, तो उसके फल अपने आप में अनंत गुना हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक गंगा स्नान यदि कोई करता है तो उसके फल को जितना कहें महिमा पूरी नहीं हो पाएगी। अक्षय स्वर्ग निर्वाण मुक्ति ये सब माँ गंगा देने वाली है। जो मानव गंगा को नित्य वंदन प्रणाम करता है, गंगा माँ का दर्शन करता है, गंगा माँ को वंदन करता है, प्रणाम करता है, तो गंगा मैया उनको दीर्घायु वाली बना देती है।